हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दिस इज योर फ्रेंड लॉरेंस दयाल, मोटिवेशन मैकेनिक। एक बार फिर से आप लोगों से मिलने आ चुका हूं और आज एक इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपसे शेयर करने वाला हूं जो आपको आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा रियली हेल्प करने वाली है, और ये बेस्ड होगी ईगल पर। सो आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास ऑलवेज आती रहे। सो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर। सो आज हम बात करेंगे ईगल के बारे में। जब एक न्यू बॉर्न ईगल पैदा होता है तो उसकी माँ जो है उसको जब भूख लगा करती है तो उसके लिए खाना लेने जाती है, और उसके लिए खाना जब लेकर के आती है तो उससे काफी दूर पर वो उस खाने को रख देती है और अपने बच्चे को स्ट्रगल करने देती है उस खाने तक आने के लिए। वो बच्चा छोटा होता है, ज्यादा कुछ कर नहीं पाता, थोड़ा गिरता पड़ता, अपनी कोशिश करते हुए उस खाने तक पहुंचता है और उसको फाइनली खा लेता है। यही कहानी डेली बेसिस पे चलती है। डेली वो खाना उससे दूर ला करके रखती है, वो बच्चा खुद स्ट्रगल करके वहां तक पहुंचता है और उस खाने को खाता है। ये था ट्रेनिंग का फर्स्ट पड़ाव। अब ट्रेनिंग का सेकेंड पड़ाव शुरू होता है जिसमें उसकी माँ उसको लगभग 10,000 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर लेकर के जाती है और वहां से उस बच्चे को ड्रॉप कर देती है। जब वो अपने बच्चे को ड्रॉप कर देती है तो वो लगातार नीचे जा रहा होता है, बहुत ही तेजी से नीचे जा रहा होता है, और एक टाइम के बाद जब 1,000 से 2,000 मीटर की दूरी रह जाती है तब वो एकदम से बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है और अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश करता है। उसको याद आता है कि उसके पास पंख हैं, उनको खोलने की कोशिश करता है, फड़फड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं उड़ पाता और उसकी माँ नीचे आती है, उसको ले करके वापस से चली जाती है। और यही कहानी कुछ दिन चलती है। उसकी माँ फिर से उसे ड्रॉप करती है, वो फिर से स्ट्रगल करने की कोशिश करता है, नहीं उड़ पाता है। कुछ दिन के अभ्यास के बाद फाइनली एक दिन जब वो बिल्कुल नीचे पहुंचने वाला होता है तो वो अपने पर फैलाता है और उड़ना शुरू कर देता है, और उस दिन से उसकी शुरुआत हो जाती है एक नए जीवन की। और वो अपने खुद के बेसिस पे अपनी लाइफ को जीता है, बहुत लंबी लाइफ जीता है, और अपने शिकार खुद करके खाता है, अपना खाना खुद ला करके खाना शुरू कर देता है। तो इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं, मैं स्पेशली उन सभी लोगों से भी कहना चाहूँगा जो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं हार मान जाते हैं कोई भी प्रॉब्लम के आने पर, और ऐसा होता क्यों है। मैं बहुत सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने नियर और डियर वंस को या अपने बच्चों को आप ओवर प्रोटेक्ट ना करें। जब भी आप उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं तो वो कभी भी ऐसी सिचुएशंस में पड़ ही नहीं पाते जिनको उन्हें हैंडल करना आ पाए। वो हमेशा डरे हुए रहते हैं कि कुछ भी ऐसा ना हो जाए, कुछ भी वैसा ना हो जाए, क्योंकि हम ही उनको हमेशा बोलते हैं कि नहीं ऐसा मत करना और वैसा मत करना। तो अगर ऑलवेज प्रोटेक्ट ही करते रहेंगे तो आप सोच के देखिए कि क्या कभी वो अपनी परिस्थितियों से निकलना सीख पाएंगे। सो हमें करना क्या है, हमें अपने बच्चों को और अपने नियर एंड डियर वंस को जिनको हम चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़े उनको थोड़ा सा सिचुएशंस में छोड़ना है, ताकि जब वो इन सिचुएशंस में स्ट्रगल करेंगे देन वो कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकाल लेंगे। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि वो उस सिचुएशन से 100% खुद के बेसिस पे बाहर निकल आएंगे, और जब वो ऐसा करना सीख लेंगे तो वो लाइफ में किसी भी सिचुएशन में कभी भी स्टक नहीं होंगे, और ये प्रिंसिपल उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा मजबूती से वो अपनाना शुरू कर देंगे और किसी भी चैलेंज को कहीं पर भी कभी भी फेस कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस स्टोरी से जरूर कुछ ना कुछ लिया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को इंस्पायर करता है या आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें। अपने सभी उन फ्रेंड्स के साथ जिनको आप चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रांग बने, उन सभी के साथ शेयर जरूर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी ही मिलता हूँ ऐसे ही यूजफुल वीडियोस लेकर के आपसे अपने अगले वीडियोस में। सो तब तक इस चैनल के साथ बने रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियोस में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।